Okay. Why six? फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक थोड़ा थकान हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है. लेट अस सी हाउ यू हैव रीच्ड देयर. हु विल टेल? नंबर सेवन. सुमित कुमार आर ट्रेनर ऑफ स्काईडाइविंग इन हिमाचल प्रदेश. ही हैज एक्सपीरियंस एंड स्किल बट ड्यू टू टेररिज्म अटैक टूरिज्म रिड्यूस इन द एरिया. To promote tourism, he decided to take 5 para jump in 5 states of India, Jammu, Kashmir, Arunachal, Kerala, Mizoram, Sikkim, and recorded video for the same, uploaded on the YouTube. After skydiving, he been with the people in the locality, share his experience, motivation, and try their culture, food, dressing, and make the video also, and make people aware about the same. With this, the skydiving culture increases, also push unity between the people. It's not a bad story, it's but good story. The problem कि एक skydiving instructor है, तो वो तो जिसका काम उसी को साजे. आप अपना काम छोड़ करके जो है पूरा tourism को tourism minister की तरह काम करें. अच्छा, इसमें करने में कोई हर्ज नहीं. अगर आप सचमुच इतने ज्यादा वो सोशल वर्क सोच रहे हो, देश की सोच रहे हो, तो यू शुड हैव. अगर आप एक बिजनेसमैन होते और आपका बड़ा एम्पायर होता स्काई डाइविंग का, फिर आप ये सब करते तो भी मैं मान लेता. जिसका काम उसी को साझे, ये मैंने नहीं बनाई कहावत. तू अपना काम छोड़ के किसी और का काम कर रहा है, भाई काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है. प्रॉब्लम है जिसका काम उसी को साझे. उस स्काईडाइविंग इंस्ट्रक्टर है तो उसी में काम करेगा. उसमें क्या वो नया कुछ करना चाहता है? टेल दैट. नेक्स्ट ही मेंशन दैट सेंटेंस ऑफ बिकॉज ऑफ टेररिज्म समथिंग दैट फॉलोइंग लेट मी फ्रेंड बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट तो आपने बढ़िया दिया है, लेकिन आपको काम नहीं है वो. हिमाचल में कोई टेररिज्म नहीं हो रहा. बट जनरल देश में हो रहा है, मान लेते हैं. तो गोल चुनना, वही एक रियलिस्टिक गोल आपके मतलब का. अब वो वाला वही वाली बात है कि एक लेफ्टिनेंट जो है नया नया एलओसी पे गया, कहता मैं इन्फिल्ट्रेशन रोकूंगा आके. अरे भाई बाकी जो थे वो बेवकूफ थे क्या? पहले 6 महीने तक तो तेरे को पता नहीं चलेगा नॉर्थ किधर है. जैसा जो जैसा मेरा प्रोफाइल वैसा मेरा काम होगा. तो क्या करेगा वो सीखेगा एरिया के बारे में, सीखेगा दुश्मन की मोडस ऑपरेंडी के बारे में, सीखेगा अपने यूनिट के बारे में, सीखेगा उनके मैन के बारे में, जानेगा अपना काम ऑपरेशन करने का तरीका, जानेगा सीनियर से बात करेगा जो जो उसको डाउट. और आप क्या कहते, he was newly commissioned lieutenant posted in LOC and he decided to stop infiltration. अब मैं क्या बोलूं? आप भी कुछ वैसे ही कर रहे हो. Don't do this. Okay. Who's not spoken? Yes. Six. Ravi was a para commando soldier at 9 para upper army. He was relieved and there were hills nearby his village. He thought of paragliding and along with his village friends went there and asked them for paragliding and bungee jumping, which his friends were shocked after listening to that as they don't try this earlier. Then he told that he'll first practice and gave a demo for this and then after they have to try this. First he gave them on bungee jumping and later on paragliding. After watching this, friends get out of fear and they enjoyed the bungee jumping and paragliding with the friend. Also,
गांव में पैराग्लाइडिंग भी करा दी और बंजी जंपिंग भी करा दी। बंजी जंपिंग का तेरे को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चाहिए उसके लिए, कितनी सेफ्टी प्रिकॉशन चाहिए, और पैराग्लाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो कर देगा गांव नियर बाई हिल्स में। यार बंजी जंपिंग पता क्या होती है, हमारे एक दोस्त हैं उनका बंजी जंपिंग है ऋषिकेश में, देखना उसको वीडियो देखना, किसी का भी बंजी जंपिंग का वीडियो देखना, तुमने तो गांव में करा दी बंजी जंपिंग भाई। अच्छा ग्लाइडर कहाँ से लाएगा, फिर ट्रेनिंग कहाँ से, फिर सैंक्शन कहाँ से, देन विद इन लीग, विद इन लीग, सो यू हैव टेकन अ गोल व्हिच इज अनचेस्ट, है ना, अनमेट गोल। देखो बेटा कोई भी गोल ले लो, गोल सब अच्छे होते हैं, माँ बाप झगड़ा करते हैं वो भी गोल है, उनको ठीक करना अच्छा गोल है, भाई जो है पढ़ने में ठीक नहीं है उसका लिए वो भी गोल है, बहन की शादी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना ये भी गोल है। आप बड़े बड़े गोल लेते हो जिनके जिनका आपको पता भी नहीं है कुछ, और जो आप फिर उल्टी सीधी बातें करते, गोल कोई बुरा नहीं होता, मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो गोल चुने हैं, जो आपको लगता है गोल अपने दिलो दिमाग से उसी से करें, उल्टा नहीं, इट इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। हाँ अगर आप उसमें इनोवेशन लाते कि उसके जैसा उसने कुछ काम कराया तो भी यार उसमें भी तो बहुत ज्यादा खतरा है, उसमें आपको एक नया कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा कि पंजी जंप कैसे कराऊं मैं, कहां पे कराऊंगा, क्या ऐसा नया करूंगा, किसी का सर फूट जाएगा भाई, इक्विपमेंट कहां है, दिस शूट प्लीज गो टू द वीडियो यूट्यूब एंड सी हाउ बंजी जंपिंग इज डन, सिंस यू हैव रेज्ड द टॉपिक ऑफ बंजी जंपिंग प्लीज अंडरस्टैंड एंड टेल एवरीबॉडी व्हाट इज बंजी जंपिंग। गांव के तालाब पे पीपल के बड़े जो पेड़ पे रस्सा बांध के छोटा मोटा कूदा दिया तो वो भी बंजी जंपिंग, बट एग्जैक्टली बंजी जंपिंग इज बिकम्स मोर, वो क्रिएटिव आइडिया जो अफसर कह रहे हैं, वैसे अगर आप करना चाहते हो तो फिर बताते हैं, मैंने वही तो कह रहा कि भाई छोटा एक सेम्बलेंस मिनी बंजी जंपिंग टाइप एक फील देने के लिए उसमें भी बहुत कुछ यू हैव टू टेल के कैसे किया, नॉट टू वरी, आपने करेक्टर सही था, गोल इस प्रोसीजर सही है, लेकिन क्या सुना उसको ठीक कर, जैसे वो झूला झूलते हैं गाँव में बड़े बड़े पेड़ों पर लगाते हैं चलो पहले छह को तो कर लेते, सिक्स यस। Shriyansh is a 21-year-old student who likes adventure sports and thus works for the same in his vacations. He creates a website and puts all the necessary information and information on safety gears on it, makes various videos doing various adventure sports and posts them on YouTube about how fun they are. He also suggests the hotels there to provide tented facilities and also provide certificates to the people who go for it. Okay, so who is he? So he's a 21-year-old student who likes adventure sports and does he works for it in the vacations. Okay, ये vacations में इतना सारा काम कर रहा है, मुझे तो लग रहा है business कर रहा था। Vacation का काम vacation की तरह करो, मुझे ऐसा लगा कि तो कर लिया, अब जो है अब इसका यही business है, यही profession लगा। But it's not a bad thing, you can be more creative. It's okay story. देखो हर स्टोरी बहुत अच्छी नहीं बनती है, बैलेंस सैंपल तो पता ही आपको, तो बट यू शुड ट्राई टू मेक एवरी स्टोरी गुड, ट्रूथफुल, बी ट्रूथफुल। आप जब 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 झूठ बोलेंगे मर जाएंगे, मैं बता दूं, बी ट्रूथफुल। सत्यमेव जयते पूरी दुनिया को हमने सिखाया हिंदुस्तान में, खुद ही उल्टा करते, कराया बंजी जंपिंग, बीट जो कराया करते सोच रहे थे ऐसे भी धोखा देते, ऐसे भी बड़े सिंपल सिंपल हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं,
सच्चे ईमानदार, वो कह रहे उसको समझ में नहीं आया तुम क्या बातें करो। ओके चलो या सुमित इज 23 ईयर ओल्ड स्टडीइंग बीटेक डीआईटी कॉलेज इन देहरादून इट इज लास्ट ईयर ही डिड नॉट गेट प्लेस्ड इन द कंपनी एंड बट अदर फ्रेंड प्लेस्ड ही वाज वरी अबाउट इट एंड find the reason why he didn't get selected. After preparing, he find that in maths he was bad, he did hard work and come to in Delhi and upload his resume over shine.com and also upload his resume on WhatsApp and it get viral and after a week or after a month he get well response and he gave the interviews and now he's in a good position and he is also doing his corresponding MBA. Okay, nothing wrong about the story. But कैसे वायरल हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि कल आपने सुना था उसका वायरल तो आपको याद आ गया, मैं समझ सकता हूँ। तो लेकिन उसमें क्या ऐसा डाला था कि वायरल हो गया वो बता देते। यू आर ट्राइंग, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर ट्राइंग टू ऑल्सो कम आउट विद योर ओन ओरिजिनल आइडिया, सो दैट इज वाई दे आर टू सम एक्सटेंट क्रिएटिव। तो और अच्छा करो, यू कैन बी मोर क्रिएटिव इंस्टेड ऑफ चैलेंज ही जस्ट क्रिएटिंग द प्रॉब्लम एंड देन वो भी एक प्रॉब्लम है कि आपने जो है ना प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। गोल में प्रॉब्लम आएगी उसको हम चैलेंज कहते हैं, गोल खड़ा करो और उसमें चैलेंज आएगी उसको। देखो ये जीवन में ये जीवन की सच्चाई है, जीवन की सच्चाई ये नहीं है कि भाई बैठे हुए थे सांप आ गया, यहां कहां आएगा सांप भाई, पंखा गिर गया क्लास में, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। बट इस क्लास में हम कुछ करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश ठीक करना चाहते हैं, जीके ठीक करना चाहते हैं, अपने इस एटीट्यूड को ठीक करना चाहते हैं, उसको क्या करेंगे, तो ये गोल है। कोई शॉर्ट टर्म है, कोई मीडियम टर्म है, कोई बोलेगा मुझे ऑफिसर बनकर के मेरे परिवार को देखना है, कोई बोलेगा मेरे भाई को इंजीनियर बनाना है, जो भी है। इट्स नॉट अ बैड स्टोरी, एक स्टोरी पे सिलेक्शन नहीं होता और स्टोरीज पे भी सिलेक्शन नहीं होता, टीएटी पे, डब्ल्यूएटी पे, एसआरटी पे, पूरा देखेंगे तब जाके इमर्ज होगा दैट हाउ इज योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ इज योर कैरेक्टर, हाउ यू आर, हाउ मच सॉल्यूशन ओरिएंटेड यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। जितने सिर्फ इसी पे होगा सिलेक्शन ऐसा तो नहीं सकता, हर स्टोरी बहुत अच्छी बनेगी ऐसा भी नहीं हो सकता, बट गुड पर्सन ऑलवेज कीप्स ट्राइंग to do good, to be better.